नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश मणि पीएम क्विजिन में आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बनाएंगे फरियाली आलू का चीला या फरियाली पटेटो पैनकेक। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पटेटो पैनकेक बनाने के लिए हम एक बर्तन में 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा, 1 चम्मच राजगरे का आटा डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कसा हुआ आलू, ये हमने कच्चा आलू लिया है जिसको किसनी में कीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, 1 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई, थोड़ा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च अपने स्वादानुसार और स्वादानुसार सेंधा नमक। इन सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है। अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और अगर आप व्रत में हल्दी खाते हैं तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। अब इसका पानी से एक चीले की कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लेंगे हम। चीले के लिए जो हम घोल तैयार करेंगे वो एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसके लिए इसमें हम और पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा घोल अब एकदम रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमने एक तवे को गरम कर लिया है, इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब इस गरम तवे पर हम डालेंगे हमारा चीले का बैटर। इसको खुरपी की सहायता से इस तरह से फैला देंगे, खुरपी या कलछी की सहायता से चारों तरफ फैला देंगे। इसको एक तरफ से सिकने देंगे और ये एक तरफ से जब सिक जाएगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, हमारा चीला एक तरफ से सिक चुका है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। इसको हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे और उसको हम निकाल देंगे। हम हमारे सारे पैनकेक इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पटेटो पैनकेक्स एकदम रेडी हैं। इसको हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। थैंक यू।